सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस के सो सारे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले इंस्टाग्राम का इस तरह का न्यू कॉन्सेप्ट, वायरल फॉरवर्डिंग का ट्यूटोरियल। सो गाइस, इस वीडियो में बैकग्राउंड एंड पीएनजी जोन से भी यूज़ करूँगा, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस, आपका वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना आपका वीडियो किस तरह का लगा। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस फॉरवर्डिंग के लिए आपको कुछ इस तरह से पोस्ट क्लिक कराना है। देन हम इस फोटो का बैकग्राउंड इरेज करेंगे। सिंपल इस फोटो को शेयर पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। सो गाइस, हमारा फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन हो गया है। सिंपल से जाएंगे टूल्स में और फ्री क्रॉप, देन अपने मॉडल पर इस तरह से ब्रश फेरेंगे और उसका बैकग्राउंड इरेज कर देंगे। सो गाइस, हमने मॉडल का बैकग्राउंड इरेज कर दिया है। सिंपल से जाएंगे ड्रॉ टूल में और थ्री डॉट पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेंगे और ओपन करेंगे इस बैकग्राउंड को। इस बैकग्राउंड को लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस बैकग्राउंड को शेयर पे क्लिक करके ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। हमारा बैकग्राउंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन हो गया है। सिंपल इसे जाएंगे ऐड फोटो में और सबसे पहले इस पर अपने मॉडल को ऐड कर लेना है हमें। सो ये हमारा मॉडल ऐड हो गया आ गया है। सिंपल इस बैकग्राउंड पर मॉडल को इस तरह से ऐड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट रहा है उसे रेस कर देंगे, जैसे इरेजर पे क्लिक करेंगे, जो साइड साइड में हमारे एक्स्ट्रा पार्ट रहा है ना, इसे इरेज कर देंगे हम। सो गाइस, ये मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। सो सिंपली गाइस, जी हमारा इतना काम तो हो गया है, उधर से कर देंगे डन, देन इधर से एक और बार डन। सो इस पर ऐड करेंगे एक हेयर पीएनजी, इधर से जाएंगे ऐड फोटो में और इस हेयर पीएनजी को ऐड कर देंगे। सो इस हेयर पीएनजी को हम इस तरह से अपने हेयर पर एडजस्ट कर देंगे, उधर से कर देंगे डन। सो गाइस, इतना काम तो हो गया। सिंपली इस पर ऐड करना है अपने लोगो, हमें इधर से ऐड फोटो में जाएंगे, उधर से पिक्सआर्ट में जाके अपना लोगो ऐड कर लेंगे। सो गाइस, हमने मॉडल लोगो ऐड कर लिया है। सिंपली इस लोगो को रख देंगे इस तरह और उधर से कर देंगे डन। सो गाइस, अब फिर से जाएंगे हम ऐसे टूल्स में इधर से एडजस्ट, देन इस फोटो की बिग ब्राइटनेस को हमें इतना बढ़ा देना है, उधर से इरेजर पे क्लिक करेंगे, देन ऐसे क्लियर ओवर करके। सो गाइस, अपने फेस पर हमें ग्लो मारना है, ग्लो, देन ऐसे ब्रश के साइड हार्डनेस को कम कर देंगे, ओपेसिटी को इतना, देन साइज को इतना करके जहाँ जहाँ हमारी लाइटिंग ज़्यादा रही हो वहाँ इस चीज़ को मार देंगे। सो सिंपली गाइस, इतना काम हो गया है, इधर से कर देंगे डन, देन इधर से एक और बार डन। सो गाइस, ये हमारा पिक्सआर्ट काम तो कंप्लीट कर लिया है हमने। सो सिंपली इस फोटो को ठीक ड्रॉ टूल में जाएंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज कर देंगे, देन ओपन करेंगे इस फोटो को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। सो गाइस, हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो गया है। सिंपली इस पर करेंगे हल्की सी कलर एडिटिंग। सो सबसे पहले जाएंगे इधर से लाइट वाले आइकन पर, देन इस फोटो की हम ब्लैक को इतना कम कर देंगे, वाइट को इतना बढ़ा देंगे। सो गाइस, इस फोटो की शेडोज को हमें इतना बढ़ाना है, देन हाईलाइट को इतना कम करेंगे। सो सिंपली गाइस, इस फोटो की कंट्रास्ट को हमें हल्का सा बढ़ा देंगे इतना, देन अब जाएंगे इधर से नीचे वाला आइकन पर, इस फोटो की क्लैरिटी को बढ़ा देंगे,
सो अब जाएंगे इससे नीचे नेक्स्ट आइकन पर, इस फोटो की शार्पनेस को इतना बढ़ा देंगे और वाइब्रेशन को इतना बढ़ा देंगे। सो सिंपली गाइस आपको दिखा दूँ पिक्सल आर्ट में कुछ इस तरह का था, देन लाइट रूम आने के बाद इस तरह हो गया है। सो सिंपली हमने हल्की सी कलरिंग करी है। सो गाइस न्यू कॉन्सेप्ट जाओ जाकर एड करो, इंस्टाग्राम पर टेक कर देना। तो इस फोटो को हम थ्री डॉट पे क्लिक कर देते कर देंगे सेव टू डिवाइस। सो वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो पसंद आए को लाइक कर देना, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए हैवी नाइट डे और मौज उड़ाओ।